आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ 9 कैरेट ज्वेलरी और 14 कैरेट ज्वेलरी का। क्या है, क्यों दुनिया दीवानी है 9 कैरेट ज्वेलरी और 14 कैरेट ज्वेलरी के लिए? सोना ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, और उस थोड़े बहुत फर्क से प्राइस में इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि कहां तो हम लें 22 कैरेट का इतना सा सोना, और जैसे मैं 9 कैरेट की बात करता हूं तो इतना सारा आ जाता है। तो सोचिए ज्वेलरी किस में ज्यादा बनेगी, 22 कैरेट में या फिर 9 कैरेट के अंदर? क्या होता है, चलिए, प्योर गोल्ड आप जानते हैं 24 कैरेट होता है, इसकी फाइननेस 999 आकी जाती है। 9 कैरेट गोल्ड के अंदर जब 9 कैरेट गोल्ड तैयार किया जाता है तो 9 कैरेट गोल्ड के अंदर 9 भाग तो होता है सोना, 9 पार्ट्स होते हैं गोल्ड, और बाकी 15 पार्ट होते हैं दूसरे मेटल्स जिसको बोलते हैं अलॉयज। ये अलॉयज कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग मेटल्स के, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एट द सेम टाइम जिससे कि रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस जो होते हैं, मतलब कई बार होता है ना सोना रोजमर्रा में काम में लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा यू हाथ किया हो जाता है, नॉर्मली टेबल पर भी हाथ लगाते हैं, कहीं भी हाथ लगाते हैं तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है, तो 9 कैरेट के अंदर कम स्क्रैच पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू 22 कैरेट गोल्ड। ऐसे 14 कैरेट में कम पड़ेंगे 22 कैरेट गोल्ड के, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड का कैरेटेज बढ़ता है, मतलब 18 से 22 होता है, 22 से 24 होता है, गोल्ड सॉफ्ट हो जाता है, इट इज मैलेबल इन नेचर, ये गोल्ड की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स का कमाल है। और जैसे जैसे कैरेटेज कम होता है 9 कैरेट या 14 कैरेट, गोल्ड स्ट्रांग हो जाता है, आपके लिए फायदा है उसके अंदर। दूसरा 9 कैरेट के अंदर होता क्या है, और जो जनरली मार्केट के अंदर 9 कैरेट गोल्ड को इसकी प्योरिटी होती है 37.5%, मतलब प्योरिटी जो आंकी जाती है 37.5% उसमें गोल्ड होता है, बाकी दूसरे मेटल्स होते हैं। ऐसे 14 कैरेट के अंदर होते हैं 58.3% गोल्ड, बाकी दूसरे मेटल्स। क्यों 9 कैरेट फायदेमंद? एक तो प्राइस पॉइंट लोअर हो जाता है, सैलरी उतनी है, बिजनेस से आप ज्यादा पैसा निकाल नहीं सकते, तो कुछ ऐसा पहने, फैशन कॉन्शियस है आप, ऐसी एज में रह रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं जहां आपको उस नई नई ज्वेलरी चाहिए, कभी मॉर्निंग के किसी फंक्शन में आपको ज्वेलरी पहननी, और हमारे देश में तो है भी ऐसा ही कि आपने एक बार कुछ ज्वेलरी पहन ली तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इवनिंग में ही उसी फंक्शन में सेम ज्वेलरी पहन के चले जाइए तो आपके जो साथ वाले होते हैं वही टोक देंगे आपको। सही कह रहा हूँ ना मैं आपको? हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, बहुत तो लोगों के साथ होता है। अच्छा, तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि इनके पास और कुछ है ही नहीं, होने को बहुत कुछ होगा आपके पास, लेकिन दुनिया में क्या होता है, ज्वेलरी हो गए, कपड़े हो गए, ये दिखाने के लिए होते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं। और कोई, आपने अगर 9 कैरेट भी पहन लिया 18 कैरेट भी पहन लिया तो कोई देख के बता नहीं सकता एक डिस्टेंस है कि 9 कैरेट पहना है 18 कैरेट पहना है, तो सोना ही दोनों केस में। लेकिन 9 कैरेट में बेनिफिट क्या है आपको कि लोअर प्राइस पॉइंट पे मिलता है, मतलब कम प्राइस पे मिलता है आपको। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि 24 कैरेट शुद्ध का भाव अगर मैं लेता हूँ 6,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से, तो 9 कैरेट के अंदर वो वाला भाव लगेगा 2,250 रुपये पर ग्राम, और अगर वही आप लेंगे 14 कैरेट में तो 3,500 रुपये पर ग्राम। सोचिए ज्वेलरी कितनी ज्यादा बन गई आपकी। दूसरा जो मैंने आपको बताया, 9 कैरेट और 14 कैरेट ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ होती है, दम होता है, ताकत होती है उसके अंदर, और रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस होते हैं कि आप उसको इजिली उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते, कभी गिर जाए, होता है जनरली आप इयररिंग्स पहन लेते हैं या पेंडेंट पहन लेते हैं या नेकलेस पहन लेते हैं, निकालते निकालते गिर जाता है हाथ से, या अंगूठियां जो कि हमारे देश के अंदर होता ही है कि अंगूठियां पहनी रहते हैं हमेशा तो टेबल के ऊपर से भी हाथ यूं जाता है बिल्कुल, स्क्रैच लगने के तो चांस होते हैं ना। आपकी 22 कैरेट की अंगूठी को कंपेयर करिए और 9 कैरेट की अंगूठी को कंपेयर करिए, आपको फर्क स्वयं को दिख जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद स्वयं जान लेंगे उस चीज को। थर्ड है फैशन ट्रेंड्स। दुनिया भर के लोग, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, इंग्लैंड में हो, या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हो, ज़्यादातर लोगों को अब जो चाहिए वो 9 कैरेट चाहिए। प्राइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा फैशन के अंदर, क्योंकि आप नई से नई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया भर के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं 9 कैरेट और 14 कैरेट, वो एक बेनिफिट है। फिर लास्ट जो है सिम्बोलिज्म, मतलब
उन कस्टमर्स के लिए, देखिए ट्रेडिशनल अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल में तो आप 22 कैरेट में ही जाइए, अगर आपको सिर्फ प्लेन गोल्ड चाहिए। लेकिन अगर आपको पन्ना, माणक या कोई और रत्न हो गए, एमरल्ड हो गया, सफायर हो गया, रूबी हो गया, कोई से भी जेमस्टोन हो गया इंक्लूडिंग डायमंड, तो आप 9 कैरेट या 14 कैरेट पे जाइए उसमें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनको स्टाइल और ब्यूटी पसंद है, जिनके दिल में स्टाइल है, जिनके जमा पे स्टाइल है, जिनके देखने पर को लगता है क्या बात है, क्या फैशन आइकन है, ये उन लोगों के लिए होता है 9 और 14। ट्रेडिशनल वालों के लिए नहीं होता ही इसके अंदर। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये है क्यों इंडिया में, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर क्यों 9 कैरेट की ज्वेलरी और 14 कैरेट की ज्वेलरी इतनी पॉपुलर हो रही है, और आगे आने वाले समय में और भी होगी। मौका है आपके पास कि जितनी ज्वेलरी खरीद सके 9 कैरेट में लीजिए, 14 कैरेट के अंदर लीजिए, क्योंकि मेरा वही मानना है, देखिए पैसा उतना ही लिमिटेड है, जब लिमिटेड पैसा है तो हमेशा जो कि फाइनेंस का रूल होता है कि मैक्सिमाइज करना चाहिए अपने रिटर्न्स को। तो मैक्सिमाइज तभी होगा आपका रिटर्न जब आप 9 कैरेट या 14 कैरेट के अंदर लेके जाएंगे, और खासकर 9 कैरेट की ज्वेलरी में आप लेके जाएंगे तो कहां तो आपको एक ज्वेलरी पीस बनेगा और वहां पे आपको 5 ज्वेलरी पीस बन सकते हैं। पर्सनल अनुभव है मेरा इस चीज के, कैसा लगा आपको हमारा शो जरूर बताइएगा। एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर vibrancies.com के ऊपर आपको 9 कैरेट और 14 कैरेट की अद्भुत ज्वेलरी देखने को मिलेगी। अभी हमने सून ये 14 कैरेट की ज्वेलरी लॉन्च करी है, जिसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी के रत्नों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि माणक के अंदर है, ओपल के अंदर है, ब्लू सफायर के अंदर है, रूबीज, ब्लू सफायर, एंड देन वी हैव गॉट ओपल। इसमें रिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, इयररिंग्स हैं। शुरुआत है ये, देखते जाइए कि हम ज्वेलरी की दुनिया के अंदर क्या तहलका मचाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, vibrancies.com के ऊपर देखना मत भूलिएगा।